पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए, तो ये दोगलापूर्ण व्यवहार जो है कि यदि आपने हमें फसल काटने नहीं दी गई, सारा फसल का नुकसान ही है जी। हम दो चार दिन हमारा, मैं प्रशांत और थे देख रहा हूँ छलको हनुमानगढ़। तो अभी आप हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट में खड़ा हाँ, सूर्य वाला को व्यक्ति है जो आज एक ज्ञापन देन आया है अठे कलेक्ट्रेट साहब ने, फसल की कटाई ने रोक रखे है, इंगा चलता है ज्ञापन कलेक्टर साहब ने देना आया है। सिमरजीत है जी मेरा नाम। सिमरजीत पिंड केड़ा जी? पिंड सूर्य वाला। कलेक्टर से धरना प्रदर्शन का कारण की सी? फसल कटन नहीं देंगे। फसल कटन नहीं दे रहे? कौन नहीं कटन दे रहे? अपने प्रशासन जी या पुलिस वाले कह रहे जी। अच्छा ओके, फसल नहीं कटन दे रहे? पुलिस वाले बैठे जी, कटाई वास्ते तैयार छड़ के हुण खराब होण डई है, सारा फसल का नुकसान ही है जी। हुण दो चार दिन विच जां ना कटी गई तां पहला भी तुसीं आए सी इत्थे, इच्छा मरते हो तुसीं दित्ता सी कलेक्टर साहब? ओह अपने कलेक्टर ने मतलब मुबारक करके दिता सीगा, तो उस तो बाद फिर नहीं कुछ कुछ नहीं आया। हाँ जी, धरना भी दे रखे? धरना भी दे रखे जी। आज क्या है कि टाउन थाने में कुछ समय पूर्व एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें एक बूटा सिंह नाम से एक व्यक्ति जो सूर्यवाला रहते हैं और हमारे पार्टी संगठनों के कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें मुलजिम बाद में बनाया गया, जबकि FIR में उनका नाम नहीं था। और जितना हमें जानकारी में आया है उसमें यह मिला है कि बूटा सिंह जी वहाँ सिर्फ कोई पंचायती करवाने के लिए गए थे, ऐसा हमारी जानकारी में आया है। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, इनको मुलजिम बनाया गया। मुलजिम बनाने के बाद उनके परिवार को पीड़ित किया गया, उनके परिवार को 8-8, 10-10 दिन बुलाकर, उनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार के बुजुर्ग जो है उनको बुला के थाने में बिठाया गया, प्रताड़ित किया गया उनको। उसके बाद उनकी जो 10 लाख रुपए की फसल आज पकी पकाई खड़ी है, उस फसल को काटने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वह परिवार आर्थिक रूप से और वैसे भी पीड़ित है, जो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तो ये तो जांच का विषय हुआ, वह मुलजिम है या नहीं है। जो उनके पिता के नाम से खेती और जमीन है, उस जमीन पर जो फसल खड़ी है उसको रोकने का पुलिस प्रशासन के पास कोई अधिकार नहीं है कानून रूप से, पर धक्काशाही चल रही है पुलिस प्रशासन में। जो SP साहब, पुलिस प्रशासन के मुखिया है, वो एक दोगलापूर्ण व्यवहार करके ये बोलती है, हमें तो ये कहती है कि भाई उनको जाने नहीं दिया जाएगा, उनको अंदर पहुंचाएंगे, अंदर बिठाएंगे, पीड़ित करेंगे, और मीडिया के सामने ये बोलती है कि हमने कभी रोका ही नहीं है, फसल काटने से जाइए और फसल काटिए। तो ये दोगलापूर्ण व्यवहार जो है, जब SP साहब का दोगलापूर्ण व्यवहार है, तो उससे नीचे से तो हम किसी कानून के से न्याय की आशा रख ही नहीं सकते। आज हमने धरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले आज हमने एक धरने का एक ज्ञापन का आयोजन किया है, पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए कि यदि आपने हमें फसल काटने नहीं दी गई तो हम इसके बाद पुलिस प्रशासन का घेराव करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर नहीं काटने दिया गया तो हम फसल काटेंगे वहाँ जाकर खेत में। उसके बाद जो टकराव होगा उसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी, SP साहब की होगी। ये जो इन्होंने तानाशाही रवैया अपना रखा है उसके खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो जांच का सब्जेक्ट है वह आप जांच का सब्जेक्ट अपने विषय तक रखिए, अगर हमारा कार्यकर्ता किसी भी तरह से दोषपूर्ण किसी कार्रवाई में पाया जाता है तो उसको आप सजा दें, और जो उचित कार्रवाई बनती है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, पर फसल रोकने का अधिकार आपका नहीं है। मिलिए कलेक्टर साहब से, अभी मीटिंग चल रही है इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं, अभी कलेक्टर साहब मीटिंग से बाहर आएंगे तो उनको ज्ञापन देना है। अगर मान लो ये फसल के लिए अब काटने के लिए नहीं बोला जाता तो अगला अपना कदम क्या होगा? पुलिस प्रशासन का घेराव करेंगे, जैसे भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई हम पुलिस प्रशासन का घेराव करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर नहीं मान्य हुआ तो हम जाकर फसल काटने का काम करेंगे। पुलिस ने जो है न्यायपूर्ण और बिल्कुल एक तरीके से कि तानाशाही करते हुए दबाव डालने के उद्देश्य से सारी जो जमीन है, जो एक गरीब किसान की 30 बीघा जमीन यानी 20 बीघा उन्होंने अपने ठेके पे ले रखी है, उस जमीन को भी पुलिस ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले रखा था। माननीय कलेक्टर साहब से आज हमारी वार्ता हुई, साहब ने ये आश्वासन दिया कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और उस जमीन को छोड़ करके जो इसमें आरोपी है उसकी जमीन को छोड़ करके बाकी जगह कटाई हो सकती है। इसी विषय को लेकर के आज हम मिले थे और हमारी जो है सकारात्मक रुख कलेक्टर साहब ने दिखाया है और कहा है कि इस पे हम तुरंत रूप से कार्रवाई करेंगे। और मुद्दे में कुछ नहीं चाहते सर, सिर्फ यही आपसे फसल काटने की मांग जी, सर ये करवाइए सर, धन्यवाद। वीडियो के प्रति तारा सुझाव मैंने कमेंट बॉक्स में इन्हें कमेंट करें जरूर बताइए। अभी तक चैनल ने जो सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लियो, और पास डेढ़ा बेल आइकन का बटन दबा लियो ताकि कोई भी नई वीडियो आवे तो बिंगो नोटिफिकेशन थाने मिल सके। तो दो इजाजत, मैंने मिला था नई वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।